सबने अच्छा बोल डाला कि स्पेशली जब मोइन अली और एलिस्टर कुक का पार्टनरशिप चल रहा था तो हमने वही प्लान किया था कि बाउंड्रीज नहीं देंगे, क्योंकि वही एक टाइम था कि अगर उनको बाउंड्री उस टाइम पे नहीं मिलता तो पैनिक होके गलत शॉट मार के आउट होंगे। और वही हुआ कि एक विकेट गिरा और वहाँ से हमें 50 रन में कुछ हमने 6 आउट किए। तो वही था हमारा एज ए बॉलिंग डिपार्टमेंट का कि रन्स नहीं देने। अगर पार्टनरशिप जा रही है तो अच्छे एरियाज में बॉल डालेंगे। और जैसे सब पता है कि इंग्लैंड में कभी ना कभी एक विकेट गिरता है तो 2-3 विकेट साथ में आते हैं, तो और वैसे ही हुआ। शमी ने भी अच्छा बॉल डाला, वो अनलकी रहा कि इतने बीट किए, बट नेक्स्ट इनिंग में और ये अभी जो थोड़ा ये 3 विकेट बाकी है, ज़रूर वो अच्छा बॉल डाल रहा है, तो होपफुली नेक्स्ट इनिंग में भी उसको ज़्यादा विकेट मिले, क्योंकि अच्छे रिदम में लग रहा है और पेस भी अच्छा जनरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शमी ने भी डाला, बुमराह और ईशांत सब ने, मतलब एज ए बॉलिंग यूनिट सब ने अच्छा किया। Yeah, definitely, especially when he got dropped, I said to him, this is just meant to be for you, but unfortunately he didn't, but I thought he played fantastically well. I just tried to take it ball at a time. I thought they bowled really well. On a wicket that was quite slow, but it always had, the ball was always doing something, and I just had to try and stay as patient as I could, and I just felt the Indian bowlers bowled really well today, and it didn't really give me a lot to hit, and I just tried to bat, try and build a partnership, and I don't always play like that, but I think it was, we were in a decent position at one point.